Today our topic is dengue fever. Introduction. Dengue fever, also known as breakbone fever, is an infectious tropical disease caused by the dengue virus. Dengue fever क्या है? एक breakbone fever भी इसको बोला जाता है. ये ज़्यादातर tropical disease होती है, जैसे tropical region जो होते हैं वहाँ पर ज़्यादा found होता है, और ये dengue virus की वजह से होता है. Transmissions. Dengue is transmitted by several species of mosquito within the genes Aedes, principally A. aegypti. जो डेंगू फीवर होता है वो जो जेनिस एडिस के जो मोस्टली स्पीशीज होते हैं उसके कारण होता है, और ये जो इसका प्रिंसिपली जो मॉस्किटो है वो है ए एजिप्टी. लाइफ साइकिल्स ऑफ द एडिस मॉस्किटो. लाइफ साइकिल्स एडिस मॉस्किटोज की क्या क्या है, कैसे कैसे वो पैदा होता है. पहले ये क्या होता है, जो मैच्योर मॉस्किटो होता है ये एग देते हैं, जिसकी वो क्या होता है, एग जो होते हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है वहाँ पर जाके वो लार्वा एग देते हैं, वहाँ पर लार्वा फॉर्मेशन होती है, फिर वो लार्वा जो होता है प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में एक दिन के बाद वो मैच्योर एडल्ट मॉस्किटो के रूप में आ जाता है. इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या होता है कि मच्छर ने जब मॉस्किटो ने जब काटा उसके बाद कितने दिनों के बाद वो सिम्टम्स पेशेंट के अंदर दिखाई दिए. तो कॉमनली इट इज़ 5 to 6 days, हाउएवर इट कैन वेरी फ्रॉम 3 to 10 days. मोस्टली सिम्टम्स जो होते हैं वो 5 to 6 days के अंदर हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम मोस्टली लेके जाते हैं 3 to 10 days के अंदर. टाइप्स ऑफ डेंगू फीवर. इसके तीन मोस्ट टाइप्स होते हैं. फर्स्ट है क्लासिकल सिंपल डेंगू फीवर, सेकेंड है डेंगू हेमरेजिक फीवर जिसे हम DHF बोलते हैं, थर्ड है डेंगू शॉक फीवर सिंड्रोम्स इसे हम DSSV बोलते हैं. क्लासिकल सिम्टम्स डेंगू फीवर के क्या है, पेशेंट को फीवर होगा, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर होगा, स्किन में रैशेज आएंगी, बैक में बहुत ज़्यादा पेन होगा, हेडेक होगा, आई पेन होगा, मसल्स में एचेस मतलब खुजली होगी, मसल्स में बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह या बहुत ज़्यादा उनको जख्म वगैरह देखने को मिलेंगे, और जॉइंट पेन होगा. पेन इन अबडामन बाय इटसेल्फ और ऑन टचिंग. जब हम पेशेंट को टच करेंगे तब भी पेन हो सकता है, या फिर क्या है, पेशेंट को ऑटोमेटिकली पेन अबडामन में हो सकता है. माइल्ड पेन इन थ्रोट, गले में उनको दर्द हो सकता है. पेशेंट फील जनरली डिप्रेस्ड एंड वेरी सिक, ठीक है. पेशेंट फीवर या जितने भी जिनको सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो बहुत सिक बीमार दिखाई देगा, स्किन में रैशेज आ जाएंगी. द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ क्लासिकल डेंगू फीवर लास्ट फॉर अबाउट 5 to 7 days, द पेशेंट रिकवर्स. इसकी जो सिम्टम्स होते हैं ये 5 to 7 दिन तक रहते हैं, और पेशेंट्स क्या होता है एट एंड रिकवर हो जाता है. नेक्स्ट इज सेकेंड इज डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसे हम DHF फीवर भी बोल सकते हैं. डेंगू हेमरेजिक फीवर वॉज सब डिवाइडेड फर्दर इंटू ग्रेड 1 to 4, लेकिन इसके जो मेन है वो 2 grades है. इट इज़ अ प्रेजेंस ओनली फॉर ऑफ इजी ब्रूजिंग्स और अ पॉजिटिव टर्निकल टेस्ट इन सम विथ फीवर. मैं आपको बताऊँगी आगे. ग्रेड 2 क्या होता है, इज़ द प्रेजेंस ऑफ स्पोंटेनियस ब्लीडिंग इन टू द स्किन एंड एल्सवियर्स. इसमें क्या होता है, या फिर क्या होता है कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा क्या अचानक से ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, स्किन में हो सकती है और भी कहीं भी पार्ट पे हो सकती है. जैसे अब इस पर्सन की आँखों में आप देख सकते हो, आईज में वहाँ आपको थोड़ी सी हल्की सी ब्लीडिंग दिखाई देगी. जो टर्निकल टेस्ट की हमने बात की थी, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेट ब्लड प्रेशर कफ टू ए पॉइंट मिडवे बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर फॉर 5 minutes. हम टर्निकेट लगा कर क्या करते हैं, जो ब्लड प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं, उसमें क्या होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच में क्या होता है, पेशेंट के नॉब को क्या टाइट कर देते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं बिल्कुल ही 5 minutes तक रोक देते हैं. फिर उसके बाद में क्या होगा, अगर पॉजिटिव होगा, अगर उसको पेशेंट को डेंगू होगा तो क्या होगा, वहाँ पर पैचेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे. देखो पैचेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे 1 inch या 6.25 centimeters तक, ऐसे ऐसे पैचेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे. डेंगू शॉक सिंड्रोम्स. डेंगू शॉक सिंड्रोम्स में हम DSSV बोलते हैं. द पर्सन इज़ वेरी रेस्टलेस, पेशेंट बहुत रेस्टलेस होगा,
स्किन फील कोल्ड एंड क्लेमी डिस्पाइट हाई फीवर। पेशेंट को हाई फीवर होगा, उसमें मतलब उसकी स्किन क्या होगी, बहुत ठंडी होगी, क्लेमी होगी जैसे, ठीक है। द पर्सन में स्टार्ट लूजिंग कॉन्शियसनेस, पेशेंट को क्या होगा, कॉन्शियसनेस नहीं होगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। पल्स इज वीक एंड रैपिड, उसकी वीक पल्स क्या होगी, बहुत ज़्यादा वीक होगी लेकिन रैपिड होगी, बहुत तेज होगी। ब्लड प्रेशर विल बी लो, उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो लो होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें हम लेबॉरेटरी टेस्ट क्या करेंगे, डेंगू फीवर क्लिनिकल लेबॉरेटरी टेस्ट करेंगे, हम CBC करेंगे, वाइट ब्लड सेल्स करेंगे, ठीक है, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, वाइट ब्लड सेल्स करेंगे, प्लेटलेट्स काउंट करेंगे, हेमेटोक्राइट में क्या होगा कि पूरे ब्लड में कितना RBCs है उसको हम काउंट करने के लिए, रेशियो ऑफ RBCs को काउंट करने के लिए हम हेमेटोक्राइट करते हैं। एल्बुमिन टेस्ट करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, यूरिन चेक फॉर माइक्रोसिप हेमेचूरिया, ठीक है, कोई हेमोचूरिया तो नहीं हो रहा पेशेंट्स को, हम वो चेक करेंगे। डेंगू स्पेसिफिक टेस्ट के लिए क्या करेंगे, वायरल आइसोलेशन, इसमें क्या होगा, हम वायरल कौन सा है, हमने पढ़ा है कि अभी कि बहुत सारे स्पीसीज की वजह से डेंगू फीवर हो सकता था, स्पीसीज कौन सी है स्पेशली, क्या वो एजिप्टी है, वो चेक करने के लिए करेंगे। सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, इसमें हम ब्लड सीरम को क्या करेंगे, डायग्नोज करेंगे, एग्जामिन करेंगे, और उसमें क्या देखेंगे, ब्लड सीरम में हम इम्यून सिस्टम जो होता है, कौन सा इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्ट कर रहा है पैथोजन के अकॉर्डिंग, हम उसको टेस्ट करेंगे। मेनली क्या होता है, इम्यून सिस्टम को देखने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं सीरोलॉजी का। और कौन से टेस्ट होते हैं, वायरल आइसोलेशन टू डिटरमाइन सीरोटाइप ऑफ इन्फेक्टेड वायरस, मतलब क्या होगा कि कौन सा वायरस है, कौन सा स्पीसीज है उसको देखने के लिए। IgM ELISA टेस्ट फॉर सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस, मोस्टली जो होता है डेंगू का उस जो एंटीजन होता है उसके अंदर IgM होता है, तो हम वो एंटीजन को टेस्ट करने के लिए क्या है, ये टेस्ट करेंगे। और मैनेजमेंट ऑफ डेंगू फीवर, ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, नो स्पेसिफिक थेरेपी, मैनेजमेंट ऑफ डेंगू फीवर इज सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव। पहले हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को बेड रेस्ट में रखेंगे, बेड रेस्ट इज एडवाइजेबल ड्यूरिंग द अक्यूट फेज, यूज कोल्ड स्पंजिंग टू कीप टेम्परेचर बिलो 39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हम पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे क्योंकि पेशेंट बहुत वीक है, फिर हम उसको कोल्ड स्पंज के लिए करेंगे टेम्परेचर को लो करने के लिए। साथ में क्या, हम लोग एंटीपायरेटिक्स में भी यूज टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, हम लास्ट साथ में ही एंटीपायरेटिक्स शुरू कर देंगे। एस्पिरिन एसिड लाइक आइब्रूफन एक्सेट्रा शुड बी अवॉइडेड, एंड इट मे कॉज गैस्ट्राइटिस, वॉमिटिंग, एसिडोसिस एंड प्लेटलेट डिसफंक्शन। एस्पिरिन एसिड्स, आइब्रूफन जैसे जो होते हैं मेडिसिन, वो हम लोग पेशेंट्स को नहीं देंगे क्योंकि गैस्ट्राइटिस हो सकती है, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड्स, वॉमिटिंग हो सकती है पेशेंट को, एसिडोसिस हो सकती है, और जो प्लेटलेट्स के जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो सकते हैं। बट पैरासीटामोल इज प्रेफर इन द डोज एज फॉलोज, पैरासीटामोल जो होती है वो हम पेशेंट को देते हैं फीवर को कम करने के लिए। तो 1 से 2 साल के जो लोग हैं, उन बच्चे हैं या उनको हम लोग क्या कहते हैं, 60 to 120 mg पर डोजेस देते हैं। 3 से 6 साल के लिए 120 mg पर डोज देते हैं। 7 से 12 साल के लिए 240 mg पर डोज देते हैं। अडल्ट के लिए हम लोग कितनी मेडिसिन देंगे, 500 mg पर डोज। इन चिल्ड्रन डोज इज कैलकुलेटेड एज पर 10 mg पर kg बॉडी वेट पर डोज, विच कैन बी रिपीटेड एट द इंटरवल ऑफ 6 आवर्स। जो चिल्ड्रंस होते हैं हम लोग उसको 10 mg kg देते हैं पर बॉडी वेट, जितना उनका बॉडी का वेट है उतना हम लोग उसको 10 kg पर केजी पे देते हैं। और हम लोग ये जो मेडिसिन होती है बच्चों में वो हर 6 घंटे के बाद रिपीट करते हैं। ओरल फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी आर रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विद एक्सेसिव स्वेटिंग और वॉमिटिंग। जिस पेशेंट को ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, तो उसको हम ओरल फ्लूड देते हैं, क्योंकि अगर ओरल फ्लूड नहीं देंगे तो पेशेंट डिहाइड्रेशन में जा सकता है। पेशेंट शुड बी मॉनिटरिंग इन DHF एंडेमिक एरिया अंटिल दे बिकम एफेब्राइल फॉर 1 day without the use of antibiotics and after platelets hematocrit determinations are stable, platelets count is less than 50 greater than 50
थाउजेंड्स पर CUMM. इसमें क्या होता है, हम पेशेंट्स को क्या करते हैं, पेशेंट को हम लोग साथ साथ में देखते रहते हैं कि पेशेंट कहीं डेंगू हेमरोजी फीवर में तो नहीं जा रहा. ठीक है, अगर डेंगू फीवर उसमें देखते रहेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम पेशेंट्स को एक दिन के लिए एंटीबायोटिक्स पे नहीं, मतलब उसके फीवर हम लोग नेचुरली कम होने की देखते हैं. ठीक है, और उसका क्या होगा, बुखार जब तक उसका वन डे तक देखते हैं कि बुखार कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर हम पेशेंट को प्लेटलेट्स और हेमोग्राइट टेस्ट को देखते हैं, उनका प्लेटलेट्स भी काउंट करते हैं. प्रिवेंशन क्या होती है, पर्सनल इन्फेक्शन प्रिवेंशन, मतलब पर्सनली आप क्या कर सकते हो, क्लोथिंग टू रिड्यूस एक्सपोज्ड स्किन. ठीक है, आपने जो पूरी बॉडी को क्लोथ से कवर करना है ताकि जो है मॉस्किटो वो आपको काट ना सके. इंसेक्ट रेपेलेंट स्पेशली इन अर्ली मॉर्निंग लेट आफ्टरनून बेड नेटिंग इम्पॉर्टेंट. जो सुबह सुबह अगर हम बाहर जा रहे हो, ठीक है, अगर हमने फुल बॉडी का नहीं पहना है, हाफ बॉडी के क्लोथ्स पहने हैं, तो आप क्या करोगे, बॉडी के ऊपर वो जैसे ऑडोमॉस वगैरह आते हैं वो लगा सकते हैं. और बेड रात को क्या है, जो मच्छरदानी होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, मॉस्किटो रेपेलेंट्स घर में क्या होता है, स्प्रे वगैरह कर सकते हैं. ठीक है, मॉर्टिन वगैरह आती है वो कर सकते हैं, कॉइल्स कर सकते हैं, सैनिटेशन मेजर्स कर सकते हैं. ठीक है, कॉइल्स का यूज़ कर सकते हैं. इन्वायरमेंटल में क्या कर सकते हैं, जहाँ पर ये इकट्ठे फैलता है या जहाँ पर जिस एरिया में क्या होता है फेवर कंडीशन है इसको ब्रीड करने के लिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, हम लोग वो चीज़ नहीं होने से क्या है, एक जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर इसका लार्वे ब्रीड करते हैं. ठीक है, बढ़ते हैं, प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं, तो हम लोग लार्वा को भी ख़त्म कर देंगे. तो जैसे जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है नेसेसरी, तो उस पानी को हम लोग बाहर निकाल देंगे. अगर पॉन्ड्स में पानी इकट्ठा ऑब्वियस रहेगा तालाब वगैरह में, तो उसके ऊपर हम ऑयल का स्प्रे कर देंगे, क्योंकि लार्वा को ऑक्सीजन ना पहुँचे और वो ग्रोथ ना कर पाए. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जो वेस्ट होते हैं हम उसको यहाँ वहाँ नहीं फेंकेंगे. ठीक है, वेस्ट में भी ये लोग पनपते हैं. पब्लिक एजुकेशन, तो पब्लिक को एजुकेशन करेंगे कि वो क्या वो पर्सनल प्रिवेंशन ले सकते हैं, क्या वो इन्वायरमेंटल प्रिवेंशन ले सकते हैं. एम्प्टी वाटर कंटेनर एंड कट वेट टॉल ग्रास, ठीक है, जितने भी कंटेनर होंगे साथ के साथ हम उसको एम्प्टी करते रहेंगे ताकि क्या है वहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो. ये था सारा मॉस्किटो डेंगू फीवर के बारे में. थैंक यू.